ह्युंडई की नई वर्ना अपने सेगमेंट में एक काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है और जब से लॉन्च हुई है हमारे एक्सप्रेस ड्राइव्स के दो सेडान कंपैरिजंस में ये विजेता घोषित हो चुकी है। अब आपके लिए एज अ बायर जो ज़्यादा मैटर करता है वो ये बात है कि अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं आपके लिए ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस क्या फ़ायदे और नुकसान आपको पता लगेंगे, और ये जानने के लिए हमने इस गाड़ी को अपनी लॉन्ग टर्म फ्लीट में रखा है। 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, हम करीब 3000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुके हैं और इस वीडियो में आज आपको ये बताएंगे कि अगर आप इस गाड़ी को दिन पर दिन चलाते हैं आपको क्या फ़ायदे और नुकसान सामने देखने को मिलेंगे। ह्युंडई की वर्ना को देखते ही पहली चीज़ जो आपका अटेंशन खींचेगी वो है इसका शार्प और एंगुलर डिज़ाइन। सामने लगी LED DRL और LED टेल लैंप्स काफ़ी अच्छी और प्रीमियम लगती हैं और ख़ासकर इसकी कूपे रूफ लाइन ओवरऑल डिज़ाइन में काफ़ी स्पोर्टीनेस ऐड करती हैं। इसके साथ अगर आप ये स्टनिंग एलॉय व्हील्स भी ऐड कर दें तो आपको मिलती है एक ऐसी सेडान जो मॉडर्न लगती है, प्रीमियम लगती है और अपने सेगमेंट में आज की तारीख में सबसे शार्प दिखने वाली गाड़ी भी है। दूसरी चीज़ जो वर्ना को अपने कंपेटिटर्स के ऊपर एक काफ़ी एडवांटेज देती है वो है इसकी रिच फीचर्स लिस्ट। काफ़ी अच्छे कनेक्टिविटी ऑप्शंस और स्टोरेज ऑप्शंस के अलावा आपको मिलता है वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन जो कि इस सेगमेंट में और किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता। उसके अलावा एक स्मार्ट बूट रिलीज सिस्टम भी है जिसमें आपको अपनी गाड़ी के पीछे आके पैर मारना या फुटबॉल की किक मारने जैसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस खड़े होइए, 3 बीप के बाद डिग्गी अपने आप खुल जाएगी। इसके अलावा आपको इस गाड़ी में मिलती है एक सनरूफ जो इस सेगमेंट में आपको वर्ना के अलावा सिर्फ होंडा सिटी में ही मिलेगी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को जोड़ दें आपको मिलता है एक ऐसा कैबिन जो आपको इस सेगमेंट के सबसे बेहतरीन कम्फर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स देता है। एक और फीचर ह्युंडई वर्ना में जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। खासकर स्क्रीन की बात करें तो ये एक कलर टच स्क्रीन है और इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, तो कहीं भी कोई आपको लैग नहीं मिलता। आप जैसे ही किसी भी चीज़ को दबाते हैं इंस्टेंट आपको उसका रिजल्ट मिलता है। इसके साथ ही आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी मिलते हैं इसमें, जैसे कि आपके एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, ऑक्स इन, उसके अलावा आपके पास USB कनेक्टिविटी है और नेविगेशन भी इनबिल्ट है। उसके साथ ही साथ यह है एक आर्कमिस साउंड मोड जिसकी क्वालिटी साउंड की बहुत अच्छी आती है। तो जब आप इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ देते हैं आपको एक ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसको अगर आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं सालों साल आपको ये काफ़ी खुश रखेगा। अब बात करते हैं ह्युंडई वर्ना की एक और खूबी की और वो है इसका इंजन। अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल डीजल इंजन के साथ ये आपको देती है करीब 125 हॉर्स पावर की ताकत और 250 न्यूटन मीटर्स टॉर्क की पुलिंग क्षमता। अब जब आप इसको जोड़ देते हैं एक बढ़िया 6 फीट गेयर बॉक्स के साथ आपको मिलती है एक ऐसी गाड़ी जो चलाने में काफ़ी फन है और आपको चलाने में स्मूथ एक्सपीरियंस भी देती है। और यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात ये है कि ये उन बहुत ही कम गाड़ियों में से है इस सेगमेंट में जिसमें आप पेट्रोल ही नहीं डीजल में भी ऑटोमेटिक की ऑप्शन को ले सकते हैं। तो अगर आप डीजल गाड़ी भी ले रहे हैं आप कन्वीनियंस ऑटोमेटिक की इसमें खोएंगे नहीं। अब अगर हम बात करें गेयर बॉक्स की, इस गाड़ी में हमारे पास है डीजल इंजन के साथ एक 6-स्पीड मैनुअल गेयर बॉक्स और गेयर बॉक्स को चलाने के हिसाब से काफ़ी अच्छा यूनिट है ये। काफ़ी स्मूथ गियर शिफ्ट हैं, एफर्ट काफ़ी कम लगता है और अगर इसके रेशोज़ की बात करें वो भी इंजन के हिसाब से काफ़ी अच्छी तरह ट्यून्ड है। तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि जब आप ट्रैफिक में चल रहे होते हैं तो आपको बार बार गियर काफ़ी शिफ्ट नहीं करने पड़ते, क्योंकि ये डीजल गाड़ी है। कई लोगों का मानना होता है कि डीजल गाड़ी में आवाज़ काफ़ी आती है, तो उस हिसाब से ह्युंडई वर्ना डीजल में NVH प्रूफिंग काफ़ी अच्छी की हुई है। तो अगर आप नॉर्मली क्रूज़ कर रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं या एक स्टेडी स्पीड पे चल रहे हैं सिटी में भी, तो अंदर डीजल की आवाज़ काफ़ी कम आती है। हाँ, स्टार्ट करने के टाइम पे, एक्सेलरेट करने के टाइम पे थोड़ी बहुत आती है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी कम आवाज़ है गाड़ी के अंदर। और फाइनली अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जो कि कई कंज्यूमर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है और वो होता है कितना देती है। हमारे लॉन्ग टर्म टेस्ट में करीब 3000 किलोमीटर में एवरेज जो हमें फ्यूल एफिशिएंसी मिली है वो है करीब 15.8 किलोमीटर पर लीटर की। हाईवे पे हमें बेस्ट मिला है 23.7 किलोमीटर पर लीटर
और सिटी ट्रैफिक में बेस्ट हमें जो मिला है वो है करीब 15.6 किलोमीटर टू लीटर। तो अगर आप इन सब चीज़ों को जोड़े, आपको मिलती है एक ऐसी गाड़ी जो चलाने में काफ़ी तेज़ है, चलाने में फ़न भी है, फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन पेट्रोल के मामले में या डीजल के मामले में आपकी जेब पे ज़्यादा भारी नहीं पड़ती। तो अब जबकि हम Hyundai Verna के इतने सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, वक्त आ गया है कि हम इसकी कुछ कमजोरियों को भी जानें, और उसमें पहली है लेगरूम, और ख़ास करके कमी लेगरूम की। अब अगर आप देखें, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है और मैंने ड्राइवर सीट को अपनी चलाने के हिसाब से पीछे कर रखा है। जगह मेरे पास ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसे सियाज या होंडा सिटी से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी कम है, और अगर मान लीजिए आप 6 फीट लंबे हैं तो उस केस में आपके पास जगह काफ़ी कम बच जाएगी, और लॉन्ग ड्राइव्स पे ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है। तो अब बात करते हैं Verna की दूसरी शॉर्ट कमिंग की, और वो भी सेम यही रियर सीट पे है। तो दूसरी शॉर्ट कमिंग है एब्सेंस ऑफ इनफ हेडरूम। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी कम हेडरूम है मेरे पास, मुश्किल से कुछ 2 इंचेस हैं। अब 5 फीट 8 इंच पे ये हाल है, अगर आप 6 फीट लंबे हैं तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपका सर रूफ से टच करेगा और वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है। अब इसका रीज़न हम जानते हैं कि ऐसा क्यों, ये इसलिए है कि जैसा हमने आपको पहले बताया कि जो उसकी रूफ लाइन, एक कूपे रूफ लाइन जो उसको काफ़ी अच्छा स्पोर्टी इफेक्ट देती है, लेकिन वो इफेक्ट के लिए इसको स्लोप करना पड़ता है। अगर आप देखें, बी पिलर के बाद से रूफ लाइन पीछे बूट लिड तक स्लोप कर रही है, उस कारण से यहाँ आते आते रूफ लाइन के आपके पास हेडरूम काफ़ी कम बच जाता है। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर आपको बहुत बढ़िया डिज़ाइन चाहिए तो उसके लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको लेना पड़ेगा इस गाड़ी में, जो कि दो है मेनली, हेडरूम और लेगरूम की कमी। तो अब आपको बताते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म रिपोर्ट के हिसाब से Hyundai Verna की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और वेल, अगर इसकी खूबियों की बात करें, पहले तो आपको मिलता है एक सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन, और इसकी हैंडलिंग भी अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो ओवरऑल ये गाड़ी चलाने में काफ़ी फ़न है, स्पेशली अगर आप डीजल की बात करें तो। उसके साथ आप जोड़िए अपना सेगमेंट लीडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, और फीचर्स जैसे कि सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स, इन सब को अगर आप जोड़ दें, आपको मिलता है एक बहुत बढ़िया पैकेज। हाँ, इसमें ज़रूर ये कमी है कि आपके पास लेग रूम और थोड़ा हेड रूम की कमी रहेगी, लेकिन अगर आपको ड्राइवर से ही गाड़ी चलवानी है और अगर आपकी फैमिली बहुत लार्ज नहीं है, इन दोनों केसेस के अलावा आपको इसकी खामियों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारे हिसाब से आप बात सुने तो ये गाड़ी आज भी अपने सेगमेंट की बेस्ट गाड़ी है।